ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। कोशिश की थी कि इस तरह का स्टार्ट लूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का स्टार्ट लिया। अगर ये इनिंग्स में कन्वर्ट कर पाता और पाकिस्तान मैच जीत जाता तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। पर्सनल माइलस्टोन से ज़्यादा अगर आपकी टीम जीते तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो ये क्या एक तरफ खुशी भी और एक तरफ थोड़ा सा ये भी है कि हम मैचेस नहीं जीत पाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई भी नर्वसनेस नहीं थी। इन चार ही फेजों से गुजरे हैं, हम चीज़ों जो क्रिकेट खेली है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, काफ़ी कुछ सीखा है वहाँ पे। नर्वसनेस सिर्फ पहले मैच ही पहली इनिंग में थी, वो अगर आपके नर्व्स खत्म हो जाते हैं, एक इंटरनेशनल क्रिकेट का अपनी जगह प्रेशर होता है, बस आपने वही कोशिश करते हैं कि वही जब ग्राउंड में जब उतर जाए तो उसको हैंडल करें, और अगर जितना ज़्यादा अपने आपको वहाँ हैंडल कर लेंगे, अपने नर्व्स को वहाँ काबू कर लेंगे, तो आपको परफॉर्म करने में आसानी होती है। तो बस कोशिश यही करता हूँ, चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, अपनी बेसिक जो मेरी बेसिक्स है उन पर रहूँ और अपने आप को बैक करता हूँ। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वो आपको ईजी बॉल्स नहीं देते कभी भी, ना आप कभी भी सेट खेल लें तो वो आपको ईजी रन भी नहीं देते। और जिस तरह का इस तरह के पिच होते हैं, थोड़े से स्लोअर साइड पर होते हैं पिच, तो उनके फास्ट बॉलर काफ़ी सामने बॉलिंग करते हैं, सामने की फील्ड लेके करते हैं, तो वो आपको ईजी रन नहीं बनाने देते। तो ये बहुत एक चीज़ सीखी है कि उसमें भी आपको रन निकालने पड़ते हैं, क्योंकि इन दी एंड गेम जो है रन की गेम है। तो बस कोशिश ये करना कि उधर भी किसी तरह रन निकालते रहें। एट टाइम आते आते थोड़ा सा स्ट्राइक रेट नीचे की तरफ जाता है, टीम स्ट्राइक रेट वैसा भी नहीं हो रहा होता, लेकिन उसमें बस हमने मुझे जो अभी तक मैंने सीखा इंटरनेशनल क्रिकेट में ये है कि वो आपको इजी बॉल नहीं देते, इजी रन कभी भी किसी भी टाइम पर नहीं देते। सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं थोड़ा सा काम रहता हूँ पिच के ऊपर और अपनी बेसिक्स पर रहता हूँ। तो फिर मैंने वही बात की कि जब आपने थोड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह खेली होती है तो आपको सिचुएशंस का आइडिया होता है, और इसमें आप जैसे मेरे पास 2-3 दिन थे, हम कल तीसरे सेशन में तीसरे दिन मेरी बैटिंग आ गई थी, तो मेरे पास ये था कि मेरे पास टाइम है, तो मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे वहाँ पर जाकर टाइम लेना है, और जितना ज़्यादा था मैं टाइम गुजारूंगा उनके बॉलर्स भी थकेंगे, और ऑलमोस्ट हम उस चीज़ में कामयाब हो गए थे। मैंने देखें काफ़ी ज़्यादा बॉल्स खेली हैं अपने 94 रन के लिए, तो मेरा प्लान सिंपल था और मैं अपने आप को उसी पर बैक कर रहा था कि मैं जो मैच को लंबा लेके जाना है, मैच को लंबा लेके जाना है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कराची में खेलने के लिए, वो मेरा होम ग्राउंड है, वहीं पर मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ, वहीं मेरा काफ़ी डेब्यू हुआ, और मेरा वहाँ फर्स्ट क्लास का पहला शो भी नेशनल स्टेडियम पे है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पहली सेंचुरी करूँगा इंटरनेशनल क्रिकेट की।